डेढ़ सौ रेट है मोबाइल सा रेट मोबाइल था दुबई मोबाइल सा रेट दुबई था होता है बस सो गाइस फाइनली हम लखनपुर बॉर्डर पे पहुंच चुके हैं और ये रहा महाराजा गुलाब सिंह का स्टैचू। तो यहाँ पे अभी कटेगा टोल, शायद आज टोल नहीं रहा होता यहाँ पे, नहीं है तो पहले था यहाँ पे, आज नहीं है। तो देख सकते हैं लखनपुर बॉर्डर का कुछ इस तरह का व्यू। एक्साइज एंड कमीशन टैक्सेस बैठते थे यहाँ पे पहले, लेकिन अब नहीं बैठते हैं। क्यों? यहाँ पे टैक्स कटता था ना गाड़ियों से, अब हो गया, हम यहाँ पे बंद हो गया। तो ये रहा यहाँ पे, तो यहाँ पे रहा मतलब बॉर्डर। यहाँ से हम करते हैं जेम पंजाब बॉर्डर को बाय बाय और हो गए यहाँ से जे एंड के में इंटर जे। हाँ अब आ गया सिग्नल आपके फोन को भी। नहीं भाई साहब क्या कर रहा है, आंटी को लेके कहाँ जा रहा है भाई साहब? भाई साहब अंगूर बेच रहे हैं। गाइस ये रहा आरटीओ पैसेंजर टैक्स। अरे भाई साहब चलो तो सही, आगे अब क्यों रुक गए आप? A few moments later. कंडा क्रॉस कर लो भाई अंदर अंदर। तो गाइस फाइनली लखनपुर मार्केट में पहुंच चुके हैं अपने। बस आ ही रहे हैं अभी। ये रही लखनपुर की मार्केट। उम्मीद है अभी पता लगे। छोटी सी मार्केट है अभी यहाँ पे। जा रहा था तो मगर नहीं, आपके बगैर नहीं जाऊंगा ना अब। सो फाइनली गाइज अपने सांबा डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं। ये रहा विजयपुर टाटा गैरेज और यहीं से अपनी बिल्लोरानी गाड़ी यहीं से ली थी हमने। तो अभी चल रहे हैं तब से कंटिन्यू। अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:48 और ये रही यहाँ की विलेज जो कि अभी नई नई बन रही है। तो तब से चल रहे हैं कंटिन्यू और बैठ रहे हैं, देख सकते हैं नज़ीर भाई वहाँ से इधर की तरफ बैठे और मैं यहाँ से इधर की तरफ। अभी लग जाएगा यहाँ से जम्मू के लिए लगभग एक घंटा लग जाएगा यहाँ से, पौना घंटा मान के चल लो। तो गाइस पहुँचते हैं यहाँ से जम्मू, देन उसके बाद आपसे मिलते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। फाइनली गाइस अपने जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं और ये अभी नरवाल बाईपास से होके सीधा हम जाएंगे कटरा दुमैल में उतरेंगे। तो ये रहा होंडाई का शोरूम, जैसा कि आपने काफ़ी सारे व्लॉग्स में देखा होगा। तो अभी यहाँ से हमारी किस्मत की बात यह है कि हमें मतलब बस मिल गई सीधा क्या बोलते हैं कटरा दुमैल तक। तो वहाँ से देखते हैं दूसरी बस जो कि हमें रामबन छोड़ेगी, तो नहीं तो हमें यहाँ से फिर बस में मतलब बस स्टैंड से बस लेनी थी। अभी ये तो बाईपास से ही जा रहा है तो हमारे लिए ये भी अच्छी बात है। तो फिलहाल चलते हैं यहाँ से सीधा और देख सकते हैं यहाँ जम्मू का कुछ इस तरह का आज मौसम बना हुआ है। बारिश पड़ रही है बहुत बाहर, आज मौसम बहुत ख़राब है, ठंड है यहाँ पर लेकिन काफ़ी अच्छा है। अब
भी आने वाला है आगे, मस्जिद जो कि मलिक मार्केट की मस्जिद है। और ये रही वो मस्जिद, और ये रहा जम्मू का वी मॉल जो कि काफ़ी मशहूर है जम्मू का मॉल। जम्मू का वी मॉल ठीक नरवाल बाईपास के रोड पे है। ये सेल 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 लगी है इधर आज। ये रहा इसका एग्जिट पॉइंट यहाँ से। काफ़ी जाम लगा हुआ है काफ़ी, एक घंटे से सिदरा से लेकर यहाँ बाईपास तक जहाँ मतलब इनका ट्रैफिक वालों का नाका है वहाँ तक जाम लगा हुआ है, क्योंकि आज यात्रा का सीज़न है उस वजह से उस करके काफ़ी जाम। तो फाइनली गाइस नाके के पास पहुँच गए हैं, तो अभी देखते हैं क्या सीन रहता है, छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे। इनको तो छोड़ देते हैं, बस वाले हमारी तरह ट्रक वाले नहीं हैं कि रुका के रखेंगे, इनको तो छोड़ देंगे। देख सकते हैं उस साइड ट्रैफिक वालों का नाका किस तरह इनको रुका रहे हैं, गाड़ी वालों को काफ़ी ज़्यादा तंग कर रहे हैं, क्योंकि यात्रा का सीज़न है और हर बंदे को चेक कर जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे पूरी टीम है यहाँ पे। हाँ तो बस अब यहाँ से जाम नहीं लगने वाला है, अब हमारे उस्ताद जी सुख पर जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम अपने रामबन डिस्ट्रिक्ट में पहुंच चुके हैं। ये देख सकते हैं नीचे रामबन का चनाब, और ये रहा अपना ढाबा, कश्मीरी ढाबा है यहाँ पे। यहाँ पे अभी डिनर किया हमने, अभी हो रहा टाइम 4:30, क्योंकि काफ़ी टाइम लग गया पीछे, तो उसके बाद अभी खाना खाया, टाइम लेट हो गया। तो अभी यहाँ से चलते हैं बस स्टैंड में, बस स्टैंड से देखते हैं गाड़ी अपने गूल के लिए। अपना पेट आज फुल हो गया काफ़ी दिनों के बाद, क्योंकि बाहर का मतलब खाना हमने जे एंड के में खाया था, उसके बाद आज खाना खाया यहाँ पे फिर से चावल। तो देख सकते हैं रामबन का कुछ इस तरह का व्यू, और मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका। फाइनली गाइस अपने बस स्टैंड आ चुके हैं, देख सकते हैं बस स्टैंड ये रहा पीछे कैफेटेरिया, टूरिस्ट कैफेटेरिया। तो यहाँ से चलते हैं अभी बस स्टैंड की तरफ, वो रहा सामने बस स्टैंड अपने। नज़ीर भाई, नज़ीर भाई क्या कहना चाहेंगे, कैसा मज़ा आया हमें नोएडा जाके? बहुत ज़्यादा मज़ा आया नोएडा में जाने का, दिल्ली में जाने का और यूपी में जाने का, बहुत ही अच्छा रहा। और कैसे फील कर रहे हैं अभी आप? बहुत अच्छा फील कर रहे हैं कि अच्छा हुआ, अच्छा टूर लगा हमारा। तो आप जा रहे हैं दुबई के लिए, आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ मैं। तो बस और क्या कहना चाहता हूँ, हम थोड़ा ब्रेक लग गई हमारे लिए, इंशाल्लाह हम भी आएंगे आपके पीछे। नेक्स्ट टाइम आपका नंबर भी लग जाएगा, नेक्स्ट टाइम 16 तारीख को हमारा भी इंटरव्यू होगा। तो बस
ओके सर, धन्यवाद। ओके धन्यवाद। तो गाइस पहुंच चुके हैं अपने रमन बस स्टैंड में, अभी चलते हैं यहाँ से बस स्टैंड की तरफ, देखते हैं यहाँ पे अगर कोई गाड़ी मिलती है तो ठीक है, नहीं तो आज फिर पैदल मार्च करना पड़ेगा नज़ीर भाई के साथ। और आज काफ़ी दिन के बाद, क्योंकि अपने उधमपुर में ही स्लीपर वाले भाई साहब को कर दिया था वहीं पे भाई, और वहाँ से दूसरी बस में आ गए यहाँ तक, तो यहाँ से अभी डिनर शिनर होके अब चलते हैं यहाँ से, देखते हैं कोई भी गाड़ी मिल सकती मिलेगी, जो भी मिलेगी तो आपको भी दिखाएंगे। यार इसी नहीं मैं भूत रही तो इसमें अच्छा मांगने जहांगीर भाई के घर पे पहुंच चुके हैं। अभी हम इस गाड़ी में आए थे रामबन से, तो अभी यहां से जाएंगे जहांगीर भाई की बाइक पे घर। तो फिलहाल चलते हैं यहां पे, अभी टाइम हो रहा है शाम के 8:01, और ये आ गए अपने जहांगीर भाई। खैर मुबारक सर। खैर मुबारक, अस्सलाम वालेकुम भाई। मुबारक है।